हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। ये है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज फॉर पीजीटी कॉमर्स। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, ये हैं आपके लिए एवर स्टडी के कोर्सेज फॉर पीजीटी एग्जाम्स, जिनमें इनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक है मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो सबसे पहले मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड कुंज, मैनेजमेंट की डेफिनेशन इन्होंने दी है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। सो दूसरों से काम कराना, लेकिन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स में। अकॉर्डिंग टू न्यूमैन ने एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन दी है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप्स टूवर्ड्स सम कॉमन गोल। सो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता गाइडेंस, लीडरशिप और कंट्रोल्स। कंट्रोल किसके? एफर्ट्स के कंट्रोल किसके? ग्रुप्स के, जो ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं, मिडिल लेवल या लोअर लेवल पे लोग, उनके एफर्ट्स को कंट्रोल करना ताकि वो कॉमन गोल्स को अचीव कर पाएं। बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी समराइज अंडर टू कैटेगरीज में इसको समराइज कर सकते हैं हम। फर्स्ट वन इज फंक्शन के बेसिस पे, नेक्स्ट इज यूसेज और एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिफरेंस है वो है, सबसे पहले बेस है मीनिंग। सो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स बाय डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। सो मैनेजमेंट एक आर्ट है दूसरों से काम कराने की और उनको डायरेक्ट करने की, ताकि जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं वो अचीव किए जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, प्लान एंड पॉलिसीज। एडमिनिस्ट्रेशन में आपके ऑब्जेक्टिव्स, प्लान और पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना आ जाता है। नेक्स्ट इज नेचर। सो मैनेजमेंट एक एग्जीक्यूटिंग फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसीजन मेकिंग फंक्शन है। प्रोसेस में मैनेजमेंट में डिसाइड होता है कौन काम करेगा और कैसे काम किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में डिसाइड होता है क्या काम करना है और कब करना है। फंक्शन है मैनेजमेंट एक डूइंग फंक्शन है, बिकॉज मैनेजर्स गेट वर्क डन अंडर देयर सुपरविजन। एडमिनिस्ट्रेशन एक थिंकिंग फंक्शन है, क्योंकि इसके अंडर प्लान और पॉलिसीज को डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज स्किल है, स्किल में आपकी आ जाती हैं मैनेजमेंट के अंडर टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स आ जाती हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल्स आ जाती हैं। लेवल मैनेजमेंट में आता है मिडिल एंड लोअर लेवल, एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपका टॉप लेवल फंक्शन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज एप्लीकेबिलिटी, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस है। फर्स्ट बेस है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी, इट इज़ एप्लीकेबल टू बिजनेस कंसर्न्स। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस कंसर्न, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस कंसर्न, लाइक क्लब, स्कूल, हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। सो The management decisions are influenced by the values, opinions, beliefs and decision of the managers. Managers के जो opinions है, beliefs है, decisions है, उससे management decision influence करता है। और जो administration है, administration is influenced by the public opinion. जो public opinions होते हैं, government policies होती है, religious organizations होते हैं, customs है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज स्टेटस। तो मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर पेड रिम्यूनरेशन। सो मैनेजमेंट्स में एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें मैनेजमेंट के अंडर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया जाता है, उनको रिम्यूनरेशन दिया जाता है, लाइक सैलरीज एंड वेजेस। और एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट ओनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनको
वो इन कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उनको उस कैपिटल पे प्रॉफिट मिलता है या रिटर्न मिलता है। सो हमने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस तो देख लिए, इतने सारे डिफरेंसेस हमें हमने देखे अभी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज और एप्लीकेबिलिटी। लेकिन व्हाट इज़ द रियलिटी, कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं और प्रैक्टिकली क्या क्या है? तो प्रैक्टिकली देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कोई डिफरेंस नहीं है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में। सो एवरी मैनेजर इज़ कंसर्न विद बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट फंक्शन। तो जो मैनेजर है वो दोनों काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑपरेटिव मैनेजमेंट फंक्शन एज शोन इन द फिगर्स। थी इस फिगर में क्लियरली आपको क्लियर हो रहा होगा जो जो टॉप लेवल में है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज़्यादा आ जाता है और जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल में है उसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़्यादा काम आ जाता है। ये जो फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस हमने डिफरेंसेस पढ़े हैं उसमें भी एक वन ऑफ द डिफरेंस था, ठीक है, कि जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें लेवल कौन कौन से आते हैं। सो मैनेजमेंट में आपका मिडिल और लोअर लेवल आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप लेवल आ जाता है। सो हाउ एवर द मैनेजर हु आर हायर अप इन द हिरार्की डिनोट मोर टाइम ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। सो मैनेजर्स जो हिरार्की में हायर लेवल पे होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में अपना ज़्यादा टाइम डिनोट करते हैं और जो लोअर लेवल पे होते हैं वो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में ज़्यादा टाइम डिनोट करते हैं, वर्कर्स की परफॉर्मेंस को ध्यान देते हैं। सो दैट वॉज द टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो दिस इज़ योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, द नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, कैसा नेचर है मैनेजमेंट का? इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन और इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और इट इज़ अ सिंपल फंक्शन। सो दीज आर योर ऑप्शंस, डू लेट मी नो द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। थैंक यू।